नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 6 एयर वर्सेस माइक्रो मैक्स इन नोट 1 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 6 एयर में 6.87 इंच जबकि इन नोट 1 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है जो कि 6 एयर से कम है। विड्थ की बात करें तो 6 एयर में 3.12 इंच जबकि इन नोट 1 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है जो कि 6 एयर से कम है। बात करें थिकनेस की तो 6 एयर में 0.37 इंच जबकि इन नोट 1 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 6 एयर में 20:5:9 जबकि इन नोट 1 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6 एयर में 7.0 इंचेस जबकि इन नोट 1 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 6 एयर में 720x1640 और इन नोट 1 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 6 एयर में 84.17% जबकि इन नोट 1 में 84.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 6 एयर में 256 पिक्सेल प्रति इंच जबकि इन नोट 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 6 एयर में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, थर्ड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और इन नोट 1 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 6 एयर में पावर GE8300 जबकि इन नोट 1 में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 6 एयर में MediaTek Helio और इन नोट 1 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो 6 एयर में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 2GB, 3GB, 3GB की RAM मिलती है जबकि इन नोट 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 6 एयर में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB, 32GB, 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि इन नोट 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 6 एयर में अप टू 1TB जबकि इन नोट 1 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी 6 एयर में 6000mAh जबकि इन नोट 1 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 6 एयर में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 7,499 रुपीज, 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 9,490 रुपीज
3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें इन नोट 1 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,490 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 6M A3 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें माइक्रोमैक्स एंड नोट 1 की तो उसमें 4 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में इन नोट 1 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में इन नोट 1 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M01 कॉ है, दूसरा मोटो G9 पावर है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 पावर है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें नोकिया C01 प्लस है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।